हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ स्टोन, सीमेंट एंड सैंड फॉर रैंडम रबल मैसनरी, जिसका जो वॉल्यूम है वो है 18 मीटर क्यूब, और जो मिक्स हमने लिया है वो है 1:3 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें दी गई है कि जो हमें चिनाई करनी है वो करनी है रैंडम रबल मैसनरी से, जिसका वॉल्यूम जो है वो है 28 मीटर क्यूब। यहाँ पे मिक्स जो दे रखा है वो दे रखा है 1:3 का, यानी कि इसमें सीमेंट कितना है 1, और जो सैंड जो मिलकर बनाया हुआ है यानी कि वो है 3। यानी कि इस मिक्स को जो बनाया गया है उसमें 1 पराती सीमेंट और 3 पराती सैंड को मिलकर बनाया गया है। तो हमें निकालना क्या क्या है, क्वांटिटी ऑफ स्टोन, सीमेंट और सैंड, ये तीनों चीज़ हमें निकालनी है। तो सबसे पहले स्टोन कितना चाहिए, स्टोन रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल इंटू माई वेस्टेज, क्योंकि स्टोन मैसनरी में जो स्टोन होता है वो ज़्यादा वेस्टेज होता है, इसलिए हम इसमें जो वेस्टेज होती है वो 25% कंसिडर करते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया गया है वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना, 28 मीटर की, यानी चिनाई कितनी करनी है 28, वेस्टेज हमने कितना कर लिया 25%। इसको डायरेक्टली 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको 25/100 से गुणा करके कर लेंगे, तो इससे स्टोन कितना आ जाएगा, स्टोन आ जाएगा हमारे पास 35 मीटर क्यूब। यानी कि ये जो चिनाई है 28 मीटर क्यूब की, इसमें स्टोन कितना लगेगा, इसमें स्टोन लगेगा 35 मीटर क्यूब। अब इसके बाद हमें निकालने क्वांटिटी सीमेंट की और सैंड की। तो क्वांटिटी ऑफ मटेरियल निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो है ड्राई वॉल्यूम अपॉन में सम ऑफ रेशो इंटू में प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल। तो हमें पता होना चाहिए कि रैंडम रबल मैसनरी जो है उसके लिए 10 मीटर क्यूब के लिए ड्राई वॉल्यूम कितना होता है, वो होता है 4.2 मीटर क्यूब। तो ऐसे ही हम 1 मीटर क्यूब के लिए निकाल लेंगे, तो 4.2 को सिंपली 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे लिए कितने का आ गया, 1 मीटर क्यूब के लिए आ गया ड्राई वॉल्यूम। हमें निकालना कितने के लिए, 28 मीटर क्यूब के लिए। तो 28 मीटर क्यूब के लिए निकालना है, तो ये 1 के लिए इसको 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा 28 मीटर क्यूब के लिए। तो ड्राई वॉल्यूम कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करने पर 11.76 मीटर क्यूब, ये क्या आ गया, ड्राई वॉल्यूम आ गया इस मैसनरी का। अब ऐसे ही हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे, ड्राई वॉल्यूम हमारे पास अभी निकाला है 11.76 अपॉन में सम ऑफ रेशो मिक्स कितना है 1:3, यानी कि 1+3 इंटू में प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल हम किसके लिए निकाल रहे हैं, सीमेंट के लिए, इसमें सीमेंट की प्रोपोर्शन कितनी है 1, इसको सोल्व करेंगे तो 2.94 मीटर क्यूब। अगर हम निकालें कि इसमें कितने बैग सीमेंट के लगेंगे, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितने बैग आते हैं। तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 30 सीमेंट के बैग आते हैं, तो फिर 2.94 मीटर क्यूब में कितने आएंगे, इसको सिंपली 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बैग्स कितने आ जाएंगे 88.2, या फिर अप्रोक्स में 83 बैग्स इसमें यूज़ होंगे। ऐसे हम क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालेंगे कि इसमें बजरी कितनी निकल लगेगी, तो उसके लिए ड्राई वॉल्यूम वो कितना है 11.76 अपॉन में सम ऑफ रेशो यानी कि जो मिक्स यूज़ में दिया है 1+3 प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल हम किसके निकाल रहे हैं, सैंड के लिए, इसमें सैंड कितनी है 3, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 8.82 मीटर क्यूब। तो ऐसे ही हमें पता लग गया कि इस ये जो क्वेश्चन है 28 मीटर क्यूब का रैंडम रबल मैसनरी के लिए, इसमें सीमेंट कितनी लगेगी 2.94 मीटर क्यूब, या फिर 83 बैग सीमेंट लगेगी, स्टोन कितना लगेगा 35 मीटर क्यूब, सैंड कितना लगेगा 8.82 मीटर क्यूब। तो आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।